मॉर्निंग, वंस अगेन यू आर वेलकम इन ऑनलाइन स्टडी सिस्टम सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हाउ वाज योर हॉलीडेज? एंजॉयड वेल? दैट्स फाइन। एनीवे, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मी। दिस इज मी वीरेंद्र सिंह एंड आई बी विथ यू एज अ फैकल्टी फॉर पॉलिटिकल साइंस। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आगे हम काम करने वाले हैं, व्हाट विल बी द प्रोसेस। अल्टरनेटिव डेज ये प्रयास होगा हमारा, कोशिश करेंगे कि हर अल्टरनेटिव डेज आप तक एक वीडियो पहुंचे। और मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि जिस दिन वीडियो आपके लिए डिलीवर हो उस दिन आप उस वीडियो को देख लें। वीडियो कंटिन्यूटी में होगी तो आपको कंटिन्यूअस वीडियो देखनी होगी, गैप नहीं होना चाहिए। कहीं पर सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी तरह का भी डाउट होने से आई बी अवेलेबल विद द कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइडेड टू यू। आप यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज ऑन द गूगल क्लासरूम फॉर एनी डाउट क्लैरिफिकेशन। इसी के साथ में दिस इज चैप्टर 6 कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक से है, समकालीन विश्व राजनीति। और चैप्टर 6 में होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर भी सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज द वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आखिर जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्थान है, इनकी आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों ये संगठन बनाने की जो आवश्यकता पड़ी, क्या बगैर संगठन के हम नहीं रह सकते थे क्या? तो इसके बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा चलते हैं, क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी, हल्का सा समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 टू 1918 तक चला, ठीक है, पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ थी एक्सिस पावर, ठीक है ना, और दूसरी तरफ थी अलायंस पावर। अलायंस पावर के अंदर विश्व की ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, और उसके अपोजिशन में है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और उसके काफी अन्य सहयोगी देश। तो वर्ल्ड वार का जो नतीजा रहा, पूरा विश्व के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए, काफी आर्थिक नुकसान हुआ विश्व के अंदर। तो ऐसा महसूस किया गया कि क्यों ना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जो इस तरह की परिस्थितियों को रोक सके, विश्व के अंदर युद्ध ना हो, शांति बनाई रखी जा सके। अगर किसी तरह से विश्व के अंदर किसी दो देशों के बीच अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती भी है तो किस तरह से हम उनको रोकने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखकर 1919 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ। क्या? लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशन ने काम किया, किसी हद तक अपने प्रयास में सफल रहा, लेकिन इसके बावजूद भी 1939 से लेके और 1945 तक फिर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, दूसरा विश्व युद्ध होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो परिणाम रहे वो इससे भी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था इससे भी काफी भयंकर परिणाम रहे, काफी मेन पावर का लॉस हुआ, विश्व के अंदर बहुत सारे जन हानि हुई, लोग मारे गए। और इसी के साथ
जो आर्थिक व्यवस्था है विश्व की वो भी चरमराएगी। तो कहने का मतलब जो लीग ऑफ नेशन हमने जिसका निर्माण किया था, राष्ट्र संघ का जो निर्माण किया था, वो अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में फेलियर रहा, कोई उसे सफलता, कोई खास सफलता नहीं मिली। तो इसके बाद में फिर महसूस किया गया कोई एक और संगठन हो जो इससे ताकतवर हो, मजबूत हो, और बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में फिर इस तरह की अगर सिचुएशन बनती है, भाई विश्व में बहुत सारे देश हैं और इन देशों के बीच में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, विषय को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। जिस तरह की हम अपने परिवार में देखते हैं, एक परिवार के अंदर भी किसी सब्जेक्ट से लेकर कोई मनमुटाव, मतभेद की संभावनाएं बनी रहती है, किसी गांव में भी बनी रहती है, और किसी देश के अंदर भी परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई है। तो गांव के अंदर इस तरह की परिस्थितियों से भाई गांव में क्या, किस तरह के मुद्दे होते हैं, भाई खेत में किसी ने किसी दूसरे के खेत का थोड़ा पार्ट कब्जा कर लिया, या फिर आपस में दो पार्टी या दो गुट आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे पास में गांव के अंदर एक पंचायत होती है, और पंचायत के अंदर एक सरपंच और अन्य पंच भी होते हैं जिनके सामने इस तरह की समस्याएं जाती है, और वहां पर वो फैसला किया जाता है, लगभग सभी को फैसला मान्य होता है। तो इसी तरह की आवश्यकता को महसूस करते हुए विश्व लेवल पर भी, एक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन हो जो सभी देश मिलकर बनाई, और बदलती हुई परिस्थितियों में अगर किसी दो देशों के बीच में किसी तरह के मनमुटाव, युद्ध की आशंका होती है, या फिर शांति बहाल करने के लिए वो जो है आगे आए, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के केसेस के ऊपर वाद विवाद डिस्कशन हो, और जितने भी देश इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे वो इस ऑर्गेनाइजेशन के फैसले को माने, ताकि विश्व के अंदर जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख पाए, इस तरह की परिस्थितियां आगे भविष्य में ना बने। इसको लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना गया, संयुक्त राष्ट्र के नाम से जिसको जाना गया, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर बनकर उभरा, और ये तुरंत जैसे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1945 में खत्म होता है, उसके तुरंत बाद में जो है यूनाइटेड नेशन यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडेशन होता है, उसकी नींव रखी जाती है, और यूएनओ से हमने कुछ उम्मीदें रखी। इस चैप्टर में वही हम बात करने वाले हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह से काम करता है, इसका जो उद्देश्य क्या उद्देश्य था, कहां तक ये अपने उद्देश्य में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सफल रहा, इसके अंदर जो मेंबरशिप है, कुछ P5 के नाम से जाने जाते हैं, परमानेंट 5 जो इसके जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, उसके परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास डिस्कस करेंगे, बहुत सारी शक्तियां हैं उनके पास में, वीटो पावर है उनके पास। कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है, कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और उनकी नॉन परमानेंट मेंबर की शक्तियां क्या क्या शक्तियां हैं, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो संयुक्त राष्ट्र है, इसकी और शाखाएं क्या है, किस तरह से वो काम करती है। तो ये और जो भारत है, क्या यूएनओ के मेंबर के लिए जो इसकी सदस्यता के लिए प्रयासरत है, किस तरह की यूएनओ के जो मेंबर का जो आगे विस्तार होने की संभावनाएं हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन के जैसे कि P5 परमानेंट 5 मेंबर्स हैं,
उनके क्या विस्तार की आवश्यकता है, क्या P5 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से दिया गया है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और कितना यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने काम में सफल रहा है, ये सब इस हम लेसन में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा दिल के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में बने रहिए। इसका पहले टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या खाली जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका काम सिर्फ जो विश्व के अंदर दो देशों के बीच में या दो गुटों के बीच में किसी तरह के जो युद्ध होते हैं, क्या उसी से संबंधित उन युद्धों का निपटारा, उनकी जो जो एक्सटेंस जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देना, क्या यही काम यूनाइटेड नेशन का है या इसके साथ कुछ और भी काम है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके अंदर? व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि इनकी आवश्यकता क्यों हुई, क्या क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट वर्क फॉर कंट्री एंड इसके बावजूद कंट्री के साथ में ये विश्व के लिए काम करती है। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, वो किसी एक कंट्री को लेकर नहीं बनाए, विश्व के जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो सब इसके मेंबर्स हैं और इसके सामने जो जो समस्याओं का समाधान होता है वो समस्याएं भी ऐसी ही समस्याएं हैं जो वैश्विक स्तर पर होती है, खाली युद्ध से रिलेटेड समस्याएं ही नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी एक देश की समस्या के लिए नहीं बनाए। ये बहुत जो देश के अंदर वैश्विक परिस्थितियां हैं, बहुत सारे देश हैं जो विश्व के अंदर और जो इसके मेंबर्स हैं उनको लेकर जो परिस्थितियां हैं उन सभी में किस तरह से जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से हल किया जा सकता है, उन सभी पे डिस्कशन उनका हल निकालने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नींव रखी गई। करेक्ट, समझ पा रहे हैं? सबसे फर्स्ट कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र है, किसी एक देश की संस्था नहीं है, ये एक देश से ऊपर उठकर ये वैश्विक संस्था है, वैश्विक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली फिर जो भी इसके सामने जो मुद्दे होंगे वो भी वैश्विक स्तर पे जो समस्याएं हैं उनका हल, ऐसे समस्याएं जिस कोई एक देश की समस्या नहीं है वो विश्व की समस्या है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे जो मेंबर्स कंट्री हैं मिलकर बैठकर उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं उसके बारे में यहां पर डिस्कशन किया जाता है। राइट, सेकंड जो इसका पॉइंट है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि कैन नॉट बी डील विद अ सिंगल कंट्री, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, उसमें कोई एक देश उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ग्लोबल लेवल पे इस तरह की समस्याएं होती हैं। अगर हम बात करें तो जैसे आपके सामने ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, वैश्विक जो ताप वृद्धि हो रही है, ग्लोबल पूरे विश्व का जो तापमान बढ़ता जा रहा है उसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो उसको सोचकर अगर देखें हम उसके ऊपर विचार करें, यह तो किसी एक कंट्री की समस्या नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर समस्या है और इस समस्या को जो हल है, इस समस्या के हल को ढूंढा जाना है, तो पूरे विश्व के देश मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ यह है अगर ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो आपके यूरोप के देश है जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप अपने देश से भारत से काफी पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो वहां पर जो पॉल्यूशन है काफी हो गया विश्व के अंदर, या ग्लोबल वार्मिंग की आप कहें तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो काफी बढ़ गया इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो कहीं की समस्याओं का जो
उसके लिए जिम्मेवार कोई एक देश या बहुत सारे यूरोप के देश हो सकते हैं, लेकिन उसका जो असर है, उसके दुष्परिणाम है, विश्व के सभी देशों के ऊपर पड़ते हैं। तो जो ऐसी समस्याएं जो वैश्विक स्तर पर है समस्याएं, चाहे आप आज के परिस्थितियों में देखें, COVID-19 जो महामारी है, पैंडेमिक, जिससे आज पूरा वैश्विक स्तर पे इतनी बुरी परिस्थितियां बनी हुई हैं, विश्व का कोई ही देश शायद ऐसा बचा हो जहां पर COVID-19 का अफेक्ट ना हो। और ये समस्या चली कहां से, इस बीमारी का जो वायरस है वो वुहान प्रांत चाइना के अंदर इस ये बीमारी की शुरुआत होती है, और विश्व के सभी देश आज इससे पीड़ित हैं, और किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है आप बखूबी वाकिफ होंगे। तो अगर इस COVID-19 को लेकर ही अगर हम बात करें, तो अगर कोई एक देश इस समस्या को चाहे इस बीमारी को अपने लेवल पे कंट्रोल कर ले, ऐसा असंभव है, क्योंकि इस तरह की समस्याओं के ऊपर रिसर्च होती है, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को देखा जाता है, उसके ऊपर डॉक्टर्स अपने पेपर पब्लिश करते हैं, कितने मरीजों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मेडिसिन दी, और उनके परिणाम क्या हुए, तो वो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर उसको अडॉप्ट किया जाता है। इसके लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक UNO की एक संस्था है, शाखा है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो इसको देखता है। तो कुछ वैश्विक स्तर की समस्याएं हैं जिनका हल निकालने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही और भी समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद से रिलेटेड है, आतंकवाद किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये वैश्विक समस्या है, ये किसी पार्टिकुलर किसी एक विशेष क्षेत्र रीजन या देश से संबंधित समस्या नहीं है। आतंकवाद आप आज विश्व के परिदृश्य में हर देश में आप किसी न किसी रूप में आतंकवाद मिलेगा। तो जैसे जो समस्याएं वैश्विक स्तर पर है एक देश में ना होकर अन्य काफी देश में है, तो इस तरह की समस्याओं के ऊपर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो UNO है, UNO के अंदर इस तरह की समस्याओं के अंदर हम हल ढूंढने का प्रयास करते हैं सभी देश मिलकर। फिर ये जो IO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन वॉर एंड पीस सॉल्व द कॉन्ट्रोवर्सी अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे देश हैं, जैसे कि आज हम करंट के जो परिस्थितियां हैं उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं, बुक से हमें बहुत कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आज देश है, आप देख सकते हो आपके सामने जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, भारत और चाइना के बीच में जिस तरह की परिस्थितियां जो लद्दाख क्षेत्र में बनी हुई है, तो कोई जो विश्व के अंदर कुछ ताकतवर देश है या फिर कुछ तानाशाह देश है, वो ऐसे देश हैं जिनकी विस्तारवादी नीतियां होती है, वो आप अपने आसपास के जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्री है, उनके जो जमीन है, उनके क्षेत्र हैं, जो सामरिक दृष्टि से जो लड़ाई के परिपक्ष में देखा जाए तो महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां में अगर कोई एक जो वैश्विक स्तर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके मेंबर दोनों विरोधी देश भी हो, तो इन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास दो देशों के बीच में या दो गुटों के बीच में अगर है, तो उसका हल ढूंढने का प्रयास या जो इंटेंसिटी है, जो समस्या है, वो फुल फ्लेज सपोज करो कि किसी एक मुद्दे को लेकर दो देशों के बीच में फुल फ्लेज वार की सिचुएशन बन रही है, पूरी लड़ाई होने की, पूरे सभी क्षेत्रों में जो लड़ाई होने की संभावनाएं बनी है, तो हम किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र तक उसको लिमिट कर सकते हैं, उस समस्या का हल निकाल सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग के लिए, एटलीस्ट बातें की जा सकती है, डिस्कस की जा सकती है, और उससे कुछ अगर अतीत में देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का हल जो UNO के थ्रू निकाला गया भी है। तो ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक UNO, इस तरह से विश्व के जो देशों के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हल करने के लिए
यहाँ पर हम डिस्कशंस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हम आपसे चर्चा करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी नींव रखने की आवश्यकता कैसे पड़ी और कौन कौन से देश थे जिन्होंने इसकी नींव को रखने में एक बड़ा जो रोल अभी ने निभाया उसके बारे में बात करते हैं। ये है रूस हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस, इटली तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सभी देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो विक्टोरियस हुए थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीता था। लेकिन इसी के साथ में ये भी एक महसूस किया गया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये अपने आप में विश्व के अंदर एक बहुत विनाश लेकर आई है, जन हानि हुई है और बहुत सारे लोग इस युद्ध के अंदर विश्व के अंदर मारे जाते हैं, इसी के साथ आर्थिक हानि भी होती है। तो लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के बारे में सोचा गया, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो अपने जो उद्देश्य थे उनके अंदर बहुत ज्यादा उसको सफलता नहीं मिली, तो उसके बाद में ये सोचा गया कि कुछ और इसमें चेंजेस लाए जाए और एक ताकतवर इम्पोर्टेंट जो विश्व के अंदर शांति के लिए पहल कर सके और भी जो विश्व के अंदर समस्याएं हैं पूरे वैश्विक स्तर पे जो परिस्थितियों के अंदर जो समस्या है उनका निवारण के लिए कोई एक मजबूत शक्तिशाली ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संघ हो तो वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में उभर कर अस्तित्व में आ, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट का जो मीटिंग जो है इसके अस्तित्व के लिए रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सभी का रोल रहा और ये अपने आप में 26 जून 1945 को अस्तित्व में आ गया। लेकिन अगर बात करें जो यूएन डे है वो 24 अक्टूबर 1945 को हम यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, यूएनओ का डे जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है 10 जून 1946 को होती है और इसके यूनाइटेड स्टेट जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो चार्टर है उनका जो चार्टर है उसके 111 अनुच्छेद में क्या दे रखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, बनावट, इसके मेंबर्स कैसे बने जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, क्राइटेरिया, यूनाइटेड नेशन कैसे काम करेंगे, इसकी सीमाएं कौन सी होंगी, इसकी शाखाएं कौन सी होंगी, इसकी मेंबरशिप कैसे मिलेंगी, परमानेंट मेंबर्स जो है उनकी शक्ति के बारे में, वीटो जो निषेधाधिकार है उसके विषय में लेके रखा है और नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनका कार्यकाल कितना होगा, सेक्रेटरी जनरल है उसका चुनाव किस तरह से होगा, जो यूनाइटेड नेशन का जो सबसे मोस्ट जो विजिबल चेहरा है वो जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, तो उसको कैसे चुनकर निकालेंगे। बेसिकली ये कह सकते हो कि यूएनओ की कानून की किताब है, यूएन जिसको फॉलो करते हुए चलता है तो वो जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से अस्तित्व है। और इसके उद्देश्य के बारे में हमने बात पहले भी की है और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि विश्व भर के अंदर जो वैश्विक परिस्थितियों में जो दो देशों के बीच में किस तरह के युद्ध की अगर परिस्थितियां बनती है तो कैसे उसको निर्मित किया जा सकता है, कैसे सुलझाया जा सकता है यूएन के अंदर बैठकर, या फिर इसके यूनाइटेड नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है इमिशरीज हैं वो जाकर मीडिएशन का काम करते हैं ताकि जो दो गुटों के अंदर दो देशों के बीच में इस क्षेत्र में किसी विषय को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो उसको कैसे हाउ वी कैन रिजोल्व दिस इश्यूज। तो ये हो गया, उसी के साथ में हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग की, जो ग्लोबल लेवल पर विश्व स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए काम करता है। साथ ही सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं विश्व के अंदर वो एक युद्ध का कारण बनता है, किसी भी देश की बात करें या फिर आप किसी गांव की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही है कि अगर सामाजिक और आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है तो फिर जो है कोई भी देश या कोई गांव के अंदर वहां पर अपराध बरतने लगते हैं। तो ऐसे कोशिश किया जाए कि हाउ वी कैन डेवलप द नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, जो विश्व के जो सभी यूनाइटेड नेशन
के जो मेंबर हैं, आज के दिन जैसे कि हम बात करें 2011 तक में जो है 193 मेंबर्स, इनफैक्ट अभी भी 2020 की भी अगर हम बात करें तो 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो सभी के डेवलपमेंट की बात करें, सभी के विकास के बारे में, आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में, कैसे हम पूरे विश्व को उभार कर ऊपर की तरफ ला सकते हैं, परिस्थितियां ऐसी शांतिपूर्ण विश्व के अंदर रह सके। तो ये तो हमने उद्देश्य की बात कर ली। इसके बाद में बात करते हैं सुरक्षा परिषद की, जो सिक्योरिटी काउंसिल है। आप ये जान लीजिए कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, विषय है, सब्जेक्ट है, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने जाते हो तो दिस इज योर सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में अक्सर जो है प्रश्न हर एग्जाम में, आपके ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें या फिर उससे ऊपर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, इवन आप चले गए आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के जो आपके टॉप लेवल के एग्जाम्स, नेशनल ये जो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिए, इसके बारे में खुद भी स्टडी कीजिए, बुक्स के थ्रू देखिए, राइट। तो सुरक्षा परिषद जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है, जो ब्रांच है, शाखा है, वो यूनाइटेड नेशन की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है। और सुरक्षा परिषद को जैसे कि हमने बात की, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स है जो यूनाइटेड नेशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो जीत के आए थे, वो रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सभी 5 परमानेंट मेंबर्स है, यानी कि ये आगे तक भी परमानेंट मेंबर रहने वाले हैं। जिस तरह की आज जिस तरह से ताकतवर ये देश अब कहा जा सकता है, और इनका जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर कंट्रीब्यूशन में भी काफी रोल है, यूनाइटेड नेशन को एक जो प्रोग्रेस की तरफ ले जाने में भी ये सभी देशों ने अपना अच्छा रोल निभाया, इसलिए ये परमानेंट मेंबर्स है। और इसी के साथ में 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स है, टेम्परेरी मेंबर्स हो सकते, अस्थायी सदस्य है। तो 10 अस्थायी सदस्य, 5 परमानेंट मेंबर्स, जो टेम्परेरी मेंबर्स है उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, अवश्य 2 ईयर्स का कार्यकाल होता है जितने भी टेम्परेरी मेंबर्स है, और लगभग ये दिसंबर के अंदर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और फिर अगला जो किसी भी देश को दोबारा लगातार नहीं चुना जाता है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। तो जो भी जो सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्री कॉन्फ्लिक्ट विश्व के अंदर जो समस्याएं हैं, विशेषकर अगर हम बात करें तो युद्ध से रिलेटेड, शांति बहाल करने के लिए किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगाने, प्रतिबंध लगाने, कोई रॉ स्टेट है, कोई बदमाशी कर रहा है, किसी दूसरे पड़ोसी देश की जमीन को हथा रहा है, उसके क्षेत्र में कब्जा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, और उसको किस तरह को पेनालाइज किया जाए, ऐसे स्टेट को किस तरह से सजा दी जाए, किस तरह की वो सजा का स्वरूप हो सकता है, वो सारा डिस्कशन अपने आप में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होता है। तो आप समझ सकते हो सिक्योरिटी काउंसिल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके 15 टोटल मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और ये जो भी बड़े मेजर डिसीजन है वैश्विक स्तर पर जो लिए जाते हैं वो यहां पर लिए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के कार्य और शक्तियों की, कि सिक्योरिटी काउंसिल के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, पावर क्या है, शक्तियां क्या है। तो जैसे कि मैंने थोड़ा बताया गया कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो विश्व में शांति बनी रहे उसके लिए प्रयास करती है सिक्योरिटी काउंसिल, राइट, कि विश्व स्तर पर शांति बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, किसी दो देशों के बीच में, गुटों के बीच में कोई आपसी टक्कर है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हाउ वी कैन रिजोल्व दिस इश्यूज। इसी के साथ ही सभी सदस्य जो है वो विश्व में शांति, सुरक्षा, और अगर किसी देश के अंदर किसी तरह की समस्या है तो ये दो देशों के बीच में कोई समस्या है तो ये अपने, मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया, शक्तियों के बारे में
कार्यों के बारे में डिस्कस कर लिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने दूत अपने इमिशन भेजते हैं वो जो मीडिएट करते हैं और दे ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज टू स्टेट। और अगर कोई इश्यू इसके बावजूद भी अगर नहीं होते तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है उसके ऊपर अपना निर्णय लेती है और ऐसे जो स्टेट के देश के खिलाफ जो आक्रमणी कार्रवाई या मिलिट्री एक्शन जो है अतीत में जो सब है उन्होंने मिलिट्री एक्शन लेकर उस देश को पेनलाइज किया है। संरचना के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, टोटल 15 मेंबर्स है, जो 10 मेंबर है वो टेम्पररी है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स नहीं है, जो स्टार्टिंग में इसकी नींव रखी गई थी दे वर सिलेक्टेड एज अ परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल के बाद में दोबारा से चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं निषेध अधिकार के बारे में, इसके बारे में निषेध अधिकार। तो हम बात करते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है, जैसे टोटल परमानेंट मेंबर्स और टेम्परेरी मेंबर्स को मिला के हाउ मेनी मेंबर्स आते हैं, 15 मेंबर्स आते हैं। तो किसी भी अगर प्रपोजल के ऊपर जो प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल के पास आता है एक एग्जाम्पल के जरिए ही हम समझने की कोशिश करते हैं और वो एग्जाम्पल लेते हैं 2019 का। तो 2019 में इंडिया क्या करता है, जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर काफी आतंकवादी ग्रुप ऑपरेट करते हैं और उसी में से एक है जैसे मोहम्मद और उसके सरगना या आप कहिए लीडर जो मशहूर होता है। तो इंडिया ने अपने एविडेंस के अंदर की जो भी प्रूफ उसके पास था और भारत देश यूएनओ के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के पास में सारे सबूत के साथ में जाता है और मेन मकसद रहता है कि जो ये आतंकवादी ग्रुप है जैश ए मोहम्मद जिसका मशहूर अजहर है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और जिस धरती से आतंकवादी ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ भी कार्रवाई की जाए। हम बात करें पाकिस्तान की, आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के संबंध काफी घनिष्ठ हैं और घनिष्ठ होने का मकसद भी सिर्फ भारत को लेकर है। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि भारत उसके लिए खतरा है जैसे कि शक्तिशाली देश है। तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये बात रखता है कि इस आतंकवादी ग्रुप के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए और इसी को लेकर चर्चा होती है सिक्योरिटी काउंसिल में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वन एग्रीड ऑन द सब्जेक्ट दैट जो आतंकवादी ग्रुप है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और जिस धरती से ऑपरेट करते हैं उसको भी इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाए। बात करें पाकिस्तान की, लेकिन अब हमारा मेन पर्पज आता है, हम बात करने वाले निजी अधिकार की विटो पावर की कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास में एक अपने आप में एक अद्भुत एक शक्ति है, काफी ताकतवर है। वो जो परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की और चाइना भी इसी में से है, ब्रिटेन जिसको कि आप यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो चाइना का सपोर्ट इसमें मिलता है, जैसे कि मैंने कहा था कि 15 मेंबर्स में से अगर 9 मेंबर्स परमानेंट और टेम्परेरी मेंबर मिलकर 9 मेंबर्स अगर किसी प्रस्ताव के सपोर्ट में अगर अपनी वोट डालते हैं, हर देश को यहां पर 15 कंट्री है बराबर एक वोट है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स है उनके वोट की पावर ज्यादा है। तो यहां पर जैसे कि 9 मेंबर की आवश्यकता थी उसको पास प्रपोजल को पास करने के लिए आतंकवादी ग्रुप को घोषित करने के लिए जैसे मोहम्मद को जिसके शर्मा की बात कर रहे हूं मशहूर अजहर, लेकिन सभी मेंबर के एग्री होने के बावजूद चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और इसको ये नेगेटिव वोट आउट करता है। नेगेटिव वोट का मतलब ये कहते हैं कि सभी मेंबर्स के एग्री होने के साथ चाइना
इस बात को लेकर एग्री नहीं होता है कि उसको आतंकवादी ग्रुप जो है घोषित किया जाए, ग्रुप घोषित किया जाए और इसकी वजह से प्रस्ताव गिर जाता है। तो हमने ये बात कर रहे थे वीटो पावर की, और वीटो पावर आप देख चुके हो कि ये काफी एक ऐसी शक्ति है जो नेगेटिव में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर सभी मेंबर्स एग्री हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर एक मेंबर भी अपने वीटो पावर का उसके अगेंस्ट में इस्तेमाल करते हैं तो इसे निषेधाधिकार के नाम से हम बोलते हैं। और इसका परिणाम अब आपके सामने है। अगर बात करें कि यूनाइटेड नेशन में सबसे ज्यादा जो वीटो पावर का निषेधाधिकार का जो इस्तेमाल है तो सोवियत रूस ने किया है, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया है, ब्रिटेन ने किया, सोवियत रूस लगभग 118 के लगभग बात करें तो दूसरे देश उसके बाद में कम से इनके बाद भी कम ही किए। और जो चाइना है, जितने बार भी चाइना ने इसका इस्तेमाल किया है वो इसका मिस यूज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, सुरक्षा परिषद की कार्य संरचना और इसके निषेध अधिकार के बारे में आपने हमारे साथ पढ़ा जाना, और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ आपको मिला होगा, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट इसमें से पहले से जान देंगे, लेकिन कुछ तो आज भी आप गेन कर पाएंगे। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात होगी। लगातार बने रहेंगे, वीडियो कंटिन्यूस देखते रहिए, काम करिए। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।